दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि WWE में रेसलर्स सिर्फ रिंग में ही नहीं लड़ते, कभी कभी काउंट आउट के दौरान रेसलर्स फैंस के बीच जाकर भी लड़ने लगते हैं। और अगर मैच फॉल्स काउंट एनीवेयर स्टिपुलेशन का हो तो रेसलर्स अरिना से ही बाहर जाकर लड़ने लगते हैं। और इसी के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब एक रेसलर ने अपने विरोधी को नदी या समुद्र में फेंक दिया। तो स्वागत है आप सभी का रेसलिंग फिनोमेना चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम WWE के 5 ऐसे ही रेसलर्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें नदी या समुद्र में गिरा दिया गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 5 एंड नंबर 4 पर आते हैं जेक स्वेगर और रे मिस्टेरियो। दोस्तों, ये बात है साल 2010 की, जब रे मिस्टेरियो के हाथों अपनी चैंपियनशिप गंवाने के बाद जेक स्वेगर एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच की डिमांड करते हैं। और स्मैकडाउन के मेन इवेंट में इनका मैच होता है। और ये दोनों रेसलर्स पहले तो फैंस के बीच जाकर लड़ते हैं, फिर बैकस्टेज अरीना में एक मोमेंट पर स्वैगर मिस्टेरियो को उस अरीना के मेन दरवाजे पर दे मारते हैं और उन्हें उठाकर समुद्र की तरफ ले जाते हैं। फिर दोनों रेसलर्स के बीच हमें यहाँ थोड़ी झड़प देखने को मिलती है। और उसके बाद में यहाँ स्वैगर कोशिश करते हैं कि वो मिस्टेरियो को समुद्र में फेंक दें, पर इसका उल्टा हुआ और मिस्टेरियो ने उन्हें पानी में गिरा दिया। पर मिस्टेरियो को भी यहाँ पानी में डुबकी लगानी पड़ी जब केन ने आकर उन्हें चॉक स्लैम दे दिया और सीधा समुद्र में फेंक दिया। नंबर 3 पर आते हैं चावो गरेरो। दोस्तों, साल 2008 में सीएम पंक और चावो गरेरो के बीच राइवलरी चल रही थी। और जब एज की मदद से चावो ने पंक को ECW चैंपियनशिप मैच में हरा कर ECW टाइटल जीता, तो उसके बाद ECW जनरल मैनेजर मेंडोस एस्ट्राडा ने अनाउंस किया कि पंक और चावो के बीच ECW चैंपियनशिप का रीमैच होगा। पर उससे पहले इन दोनों को गल्फ ऑफ मैक्सिको मैच में लड़ना होगा, यानी कि इस मैच को जीतने के लिए अपने विरोधी को गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो कि समुद्र है, उसमें गिराना था। मैच के शुरू होते ही पंक और चावो दोनों रिंग से बाहर होकर और फिर अरीना के बाहर जाकर लड़ने लगते हैं, जहां कुछ समय तक ये दोनों ब्रॉल करते हैं और एक दूसरे को कारों के कांच पर पटकते हैं। फिर दोनों रेसलर्स गल्फ ऑफ मेक्सिको के किनारे पर पहुंचते हैं, जहां एंड में सीएम पंक GTS देकर चावो गरेरो को समुद्र में फेंक देते हैं। और इस तरह से बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की इस मैच में जीत होती है। नंबर 2 पर आते हैं अकिरा तोजावा और निंजा। दोस्तों, 24/7 चैंपियनशिप को कभी भी कहीं भी जीता जा सकता है और इसलिए चैंपियन को इसे हमेशा डिफेंड करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। यही कारण है कि ये टाइटल काफ़ी यूनिक है। साल 2020 के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में दिखाया जाता है कि आर्ट रुत समुद्र के किनारे बीच पर मौजूद हैं और अकिरा तोजावा यहाँ उनका पीछा करके उनसे 24/7 चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने एक निंजा को रेफरी के कपड़े पहनाकर साथ ले आए और आर्ट्रूथ उन्हें वहां देखने लें। इसीलिए वो उस रेफरी को बिना उसकी मर्जी के समुद्र की तरफ ले गए और उसे पानी में गिरा दिया। ये दोनों वहां आर्ट्रूथ का इंतजार कर रहे थे, पर इतने में आर्ट्रूथ से पहले वहां शार्क आ गई, जिसके बाद टोजावा और उनके निंजा को वहां से भागना पड़ा। यानी कि टोजावा ने जो आर्ट्रूथ के लिए गड्ढा खोदा था वो उसी में गिर गए। नंबर 1 पर आते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज। दोस्तों, ये बात है साल 2006 की, जब जॉन सीना और एज की राइवलरी चल रही थी WWE चैंपियनशिप के लिए। और इसी के दौरान एज लीटा के हाथों जॉन सीना की स्पिनर वाली चैंपियनशिप को ओशियन में फेंकवा देते हैं और फिर एज अपनी खुद की रेटेड आर चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसी के कुछ घंटों के बाद जब शो में एज जेफ हार्डी के खिलाफ मैच लड़ते हैं, तो मैच के बाद में जॉन सीना वहां आकर एज पर हमला कर देते हैं। एज यहां भागने की कोशिश करते हैं, पर सीना के सर पे तो मानो खून सवार था, वो एज को पीटे ही जा रहे थे। और फिर जॉन सीना ने एज का भी वही हाल किया जो उनकी स्पिनर WWE चैंपियनशिप का हुआ था, और जॉन सीना ने एज को भी ओशियन में फेंक दिया। और इस इंसिडेंट के 14 इयर्स के बाद एज बताते हैं कि जिस पानी में उन्हें फेंका गया था वो बहुत ही प्रदूषित था, और इसके बाद जब एज घर आए तो वो एक हफ्ते तक बीमार रहे थे। नंबर
I didn't realize that it's the most polluted body of water in the United States. And then I went home and was sick for a week. तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।